भाई साहब अभी हम गांव आए थे तो गांव पे हमें पता चला कि हमारे गांव के पास में एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग 7 बजे के बाद में कोई भी नहीं जाता है। तो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं। मेरे साथ में अपना ये भाई है, हम दोनों जा रहे हैं और अभी हमें एक दो साथ में ले जाएंगे क्योंकि गाइस काफी डर वगैरह है वहाँ पे, क्योंकि 7 बजे के बाद कोई कभी भी कोई नहीं जाता है वहाँ पे। तो मैं अभी एक भाई है यहाँ पर रहता है पास में, उससे ले जा रहा हूँ, तो उन्हें मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉल करके उसे बुलाता हूँ और फिर चलते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर 7 बजे के बाद में अभी तक क्यों कोई नहीं जाता है, वो सभी जगह मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं फ़ोन लगा लेता हूँ उन्हें। हेलो, हाँ भाई, अपन उधर चल सकते हैं फ्री हो तो। वो जो लोग कहते रहते हैं, अगवाई फैलाते रहते हैं, भूत वगैरह जैसे कुछ, आज चेक कर लेते हैं ये भी क्या नहीं है। हाँ। तो कैसा क्या है वो? नहीं भाई, वहाँ पे कोई नहीं जाता, 7 बजे के बाद दरवाजे नहीं जाने देंगे। नहीं तो अपन अभी चल सकते हैं, ऐसे ही गलत फहमियाँ हैं यार वो तो। गलत फहमी नहीं भाई, सच्ची नहीं। एक बार अपन चेक करके आते हैं, मतलब कैसा क्या चलता है, मतलब देख लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे तो एक बार चेक कर लेते हैं आप, देखते सही। अपन अपन 4-5 जन चल रहे हैं, देख लेंगे कैसा क्या है। चलो ठीक है भाई, तू देख लेना, मैं अंदर नहीं जा रहा, तुम लोग भी जाओगे अंदर तो। हाँ ठीक है, हम चल जाएंगे अंदर। जाओ आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अरे भाई मत जाओ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो एक बार देख लेते हैं ना चल के क्या होता है। भाई सच में बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाएगी यार भाई, मैं तो नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। नहीं चलो यार एक बार। नहीं नहीं भाई, वो दिक्कत है वहाँ पे, देखो अगर हम वहाँ पर भी जाते हैं तो अंदर नहीं जाएंगे भाई, वो तुम लोग अंदर जाओगे, हम लोग तो मंदिर के बाहर तुम्हें छोड़ के भागे। हाँ चलो अंदर, चलो अंदर चल जाएंगे, बाकी ये बाहर खड़े रहेंगे, प्रॉमिस ठीक है, अंदर हम लोग चल जाएंगे जो बाकी बाहर खड़े भाई लोग। भयंकर डर सा लग रहा है मेरे को तो आप कभी कब से वहाँ कोई नहीं गया? और तुम लोग वहाँ पे ले जा रहे हो जो भाई अपने गांव पे रहते हैं, तो इनसे पूछते हैं कब से लोग वहाँ पे नहीं गए, मतलब कि लगभग 7:30 के बाद में कोई नहीं जाता है, सुनवाई में रहता है। घना जंगल टाइप का नहीं लग रहा आपको? कितना घना जंगल भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास में, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। मोबाइल तीनों जा रहा है ना भाई, चलो इससे पूछते हैं कैसा क्या सीन है यहाँ का। तो चलो भाई बताइए क्या है यहाँ का सीन। भाई वो एक लड़का आया था, वो भी तुम्हारे जैसे विश्वास नहीं करता, शेर से लड़का आया था, बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, अकेला चला गया, उसके बाद वो कभी नहीं देखा भाई। तो ये गलत भी तो हो सकता है कहीं का, भाई गलत कैसे हो सकता है भाई, वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो भाई जो पुरानी इतिहास में मतलब जितने लोगों ने जो बताया इस कहानी में यही बताया था, कहानी नहीं है, डूबने के बाद मतलब जो यहाँ जाता है वो फिर दो बार वापस नहीं यहाँ तक जाता है। देखो हम तो आज आए यहाँ पे तो आज पता कर लेंगे थोड़ा भाई, ऐसी 10 कहानियां अभी हम यहाँ पे आए तो हमें पता नहीं, मतलब ये गाँव पे ये लोग बोल रहे थे कि ऐसा सीन रहता है कि यहाँ पे लगभग 7:30 या 8 बजे के बाद में जैसे ही। भाई मैं भी नहीं जा रहा, तुम लोग ही अंदर जाओ, घर जाएंगे तो मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर लोग बोलते हैं लगभग 7 बजे के बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। तो आज चेक कर लेते हैं कैसा क्या सीन रहता है यहाँ पे। तो बाकी ये लोग नहीं जा रहे, एक दो जन हम दोनों देखेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर थोड़ा डेंजर हो जाएगा भाई, तो बाहर से देख लेंगे जैसा भी सीन रहेगा, और अगर चेक कर लेंगे अंदर भी जाने का तो अंदर भी चले जाएंगे। इन शहर वालों को क्या है, क्या चल मस्ती भाई, क्या मिलेगा भाई यार। अरे थोड़ा चल लो यार, क्या जाएगा भाई, हम पे विश्वास करो, मत जाओ, हम तो यही बोल रहे हैं। देखो हम तो आए 3 किलोमीटर आ रहा है यहाँ पर, आप 3-4 किलोमीटर आ रहे हैं, तो अब चेक कर लेते हैं भाई। देखो भाई कोई भी नहीं है आसपास में, मैं आपको दिखा, देखो गाइस कुछ भी निकला जा रहा है, झाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं, बाकी दूर लाइट के खम्भे वगैरह जो ये रोड जा रही है, बाकी इधर आसपास में कुछ भी नहीं है। देखो ये पेड़ है खाली, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चलिए चलते हैं, बिल्कुल पास में ही आ गए अपन, चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी क्या है, मॉल मस्ट पहुंच ही गए जो भाई लोग अपने आगे आगे जा रहे हैं, जल्दी इनके साथ में बोल लेता हूँ, मुझे डर लग रहा है क्यों, वहाँ से रास्ता नहीं, उधर से रास्ता नहीं, यहीं पे रास्ता है, ये रास्ता है यहाँ से, ये तो मना कर रहे हैं यार जाने। अरे भाई चलो यार मत करो यार, थोड़ा सा यार उधर डर है, हम लोग नहीं जाएंगे, तुम दोनों चले जाओ यार, अपन चलते ना यार, देखो यार जहाँ से रास्ता है थोड़ा सा साथ में चलो ना यार। पहली बात तो अगर इनको कुछ हो गया तो अपना ही ना आएगा भाई, तुम लोग नहीं आएगा यार, तुम भाई पता है क्या, हमको पता है हम जहाँ पर रहते हैं ना। अरे हम अरे भाई बात समझ, भाई तुम समझ नहीं रहे हो, तुम घूम के आ रहे हो भाई, इधर 7 बजे कोई बात कोई नहीं जाता, हम लोग नहीं जा रहे, तुम लोग चले जाओ ना भाई, मैं घुमा दूंगा दिन में, लेकिन दिन में भाई ये अगवाई फैलाते रहते हैं गाँव वाले, समझ समझ काम करते रुक जाओ, थोड़ा अंदर चलते, ज्यादा अंदर नहीं चलेंगे, ज्यादा अंदर चलेंगे, ज्यादा अंदर तो डेंजर रहेगा, अपन थोड़ा सा अंदर चल के घूम आएंगे, चलो ठीक है थोड़ा सा ही जाएंगे हम लोग। हाँ चलो थोड़ा अंदर के लिए राजी होगा भाई, भाई अपने देवी यार, भाई
चलो ठीक है यार, थोड़ा सा ही चलते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे भाई, बोल रहा हूं थोड़े अंदर चलेंगे, ज्यादा अंदर नहीं चल रहे ना, थोड़ा सा चल के वापस जाएंगे। ये रास्ता देख रहे हो गाइस, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, यहां से निकलो यार, एक एक करके निकलना, आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, भागने के लिए थोड़ा सा जगह बना के रखो, उधर से आने पड़े कुछ डेंजर रहा तो अपन जल्दी जाएंगे। देखो कुछ नहीं होगा यार, डर क्यों रहे हो यार, अरे भाई अंदर होगा ना यार, चलो यार साथ में रहना यार, साथ में रहना, मैं बताता हूँ आपको, सब लोग बताता हूँ आप सभी को कहाँ से निकलना है यार, मैं तो निकल अपन अपन सबको साथ में रहना है, ज्यादा दूर नहीं चलना है, चलिए जगाई जे, यहाँ से पानी जा रहा है, लाइटिंग हमारे पास एक ही दो मोबाइल हैं, थोड़े ज्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं है, बाकी यहाँ पे कुछ दिख रहा है सांप वगैरह तो रहते हैं यहाँ पे, क्या है ना सांप का निकलना मतलब अब शकुन होता है भाई, तुम क्या जानते हो यार, तुम अरे भाई यार जहाँ पे कोई नहीं रहता है मतलब, इसलिए सांप वगैरह आते हैं, चलता है चलो यार, कहाँ आ रहा, कुछ नहीं है भाई यार, भाई क्या भाई इधर कुछ था, कुछ नहीं है भाई, मत करो कुछ होगा तो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा, मैंने कैमरा खोला है, मत करो मत करो मत करो भाई, चल आठ तू आठ मत करो, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा, कुछ होगा तो अभी चल चल कैमरा में देखेंगे, चलो पहले थोड़ा जरा जाओ कैमरा में देखते हैं क्या था। सो गाइस अभी हम वहां से वापस आ चुके हैं, क्योंकि गाइस वहां पर हमें कुछ दिखा था, जो गाइस मुझे तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मेरे साथ में जो भाई लोग गए थे उन्हें वहां पर कुछ दिख गया था, उस वजह से हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर सांप वगैरह भी हमें दिखे थे और साथ में कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ जो गाइस भाई लोगों को दिखा था, चलिए देखते हैं क्या था वहां पर जो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, अजा भाई क्या था भाई, ये क्या है, ये क्या भाई, कुछ है भाई, कुछ है, कुछ है। सो गाइस जैसे कि आपने अभी कैमरे के अंदर देखा कि कुछ व्हाइट कलर की अनजान चीज हमें वहां पर भागती हुई दिखी, जो कि गाइस लगभग एक इंसान जैसा लग रहा था, जो कि गाइस व्हाइट कलर का कपड़ा उसने मुंह पे बांधा हुआ था, इस वजह से हम वहां पर वापस जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ में जा रहे हैं, जो कि गाइस चेक करेंगे कि गाइस जो कुछ इंसान यहां पर पागल बना रहे हैं कि या फिर वहां पर कोई चीज है जो कि गाइस वहां पर लोगों को परेशान कर रही है, चलिए इसके बाद में क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ सो गाइस अभी हमें बड़ी मेहनत के बाद देखा कि यहाँ पर लगभग 7 बजे के बाद में कोई भी नहीं आता था, लेकिन आज हमने ये करके दिखाया यहाँ पे ये भूत था, अभी हमने उस भूत को पकड़ लिया है, ये यहाँ पे पागल बना देते हैं, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे और कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रात में कोई नहीं आता, उन लोगों को डराते थे, इसलिए आज हमने उन लोगों को पकड़ लिया है, अभी हमको आपको दिखाता हूँ, इसने हमारा जीना हराम कर दिया, इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था, मैंने तो पहले बताया था। चलो इनसे पूछते हैं ऐसा क्यों करते थे, लोगों को क्यों परेशान करते थे, आपको क्या चाहिए। हाँ तो ये काफी टाइम से यहीं पर पालतू परेशान करते थे, मतलब जो भी कोई आता था ना उन्हें डरा देते, बाकी जो भी था अपन देखते इनसे पूछते हैं क्या चाहिए यहाँ से जाने के लिए, वो सब इनसे। तो ये भाई हमने पकड़ लिया भाई, आप जहाँ पे सब लोगों को डराते थे बताइए हमें, और आपको क्या चाहिए हमें ये सब बता दीजिए, अरे मारो मत प्लीज, इसको पकड़ाएंगे, इसको पुलिस को रखवाएंगे, पुलिस को पकड़ाएंगे, इसमें पालतू लोगों को डरा कर रखा था।